के मार लग जाएंगे वो अभी तक पूरी खुश होता है देख के नागरिक है। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर किसानों की महापंचायत में उनके समर्थन में ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पहुंची। उन्होंने कहा किसानों को सड़क पर बैठे देख दुख होता है, किसान ही देश चलाता है, सभी को भोजन देता है, यहां तक कि उनकी सपोर्ट के बिना कोई भी खिलाड़ी देश का नाम रोशन नहीं कर सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा सरकार को किसानों की मांगों को सुनना चाहिए, सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा करने का वादा किया था, अब उन्हें अपना वादा निभाना चाहिए। विनेश ने कहा कि देश के लोग अगर अपने हकों के लिए आवाज उठाते हैं और सड़क पर आते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वह राजनीति से प्रेरित हों। उन्होंने कहा मैं खुद किसान परिवार से हूँ, इसलिए मैं किसानों का दुख दर्द समझ सकती हूँ। 200 दिन पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन को, पहले भी 13 महीने चला था, 2 माह के सरकार ने बोला था कि मार ले जाएंगे वो अभी तक पूरी दुख होता है देख के, सभी देश के नागरिक है और किसान ही है तो देश को चलाता है ना, इनके बिना तो कुछ भी नहीं है, हम खिलाड़ी भी नहीं है, अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं, तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हम देश को रिप्रेजेंट करते हैं इतने बड़े बड़े लेवल पे लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए, और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा, अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होगा इस चीज से। आपको लगता है कि 200 दिन जैसे पूरे हो गए लगातार किसान मांग कर रहे हैं अपनी मांगों की बात कर रहे हैं लेकिन अभी तक सुना भी नहीं गया, गौर भी नहीं किया। वही बहुत दुख की बात है, वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं अभी भी बैठे हैं, लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तू है ना, जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम खुद हम ऐसी जगह से निकले, हम जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते थे कि पता नहीं कब मानेंगे है ना, लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है, हमारी हमारे परिवार को लड़ना आ गया है, शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा, और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था, तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूं, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रही मेरी, तो बस वही है कि